धरती के स्वरूप और उसके विकास को लेकर सप्तऋषि एक घने जंगल में तपस्या कर रहे थे। उस वक्त उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव प्रकट हुए तो सभी ऋषि उनके चरण धोने के लिए पानी खोजने लगे। ऐसे में सभी ऋषियों ने अपने अपने पसीने को एकत्रित कर कमंडल में रखकर चरण धोने की कोशिश की, लेकिन बार बार वह पानी गिर जा रहा था। ऐसे में ब्रह्मदेव के मुख से अनायास पुनः पुनः शब्द निकला और इस शब्द के निकलते ही आकाश से जल का एक स्रोत निकलकर धरती पर आया, जिसे पुनपुन नदी के नाम से जाना जाता है। इसी वजह से इसे आदि गंगा कहा जाता है। ब्रह्मा ने सप्तऋषियों को दिया था आशीर्वाद। ब्रह्मदेव ने सप्तऋषियों को कहा कि आपकी तपस्या पूर्ण हुई, आज के बाद जो भी मनुष्य इस नदी पर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंड दान करेंगे, उनके पिंड का तर्पण संपन्न होगा। तब से पुनपुन नदी के घाट पर पितृ पक्ष के अवसर पर पिंड दान का काम शुरू हो जाता है। गरुड़ पुराण में भी ऐसी व्याख्या की गई है, ब्रह्मदेव के आशीर्वाद से ही यहाँ पर पितृपक्ष शुरुआत हुई थी। भगवान श्री राम ने भी अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पहले पिंड का तर्पण इसी पुनपुन नदी घाट पर किया था, ऐसी पुराणों में चर्चा है। उसके बाद ही गया के फल्गु नदी तट पर जाकर पिंडदान कर पूरे विधि विधान का तर्पण किया था। ऐसे में इस पुनपुन नदी घाट को पिंडदान का प्रथम द्वार भी कहा जाता है। आदि गंगा के नाम से चर्चित पुनपुन नदी पर ही पहला पिंडदान किया जाता है। उसके बाद गया के फल्गु नदी तट पर पिंडदान का पूरी विधि विधान संपन्न होता है। अगर पुनपुन में पहला पिंड तर्पण नहीं किया तो पिंडदान अधूरा माना जाता है।